और इसी बीच बड़ी खबर है प्रयागराज से। नरेंद्र गिरी सुसाइड केस में आनंद गिरी को मिल सकती है बड़ी राहत। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, शिष्यों ने केस वापस लेने की कोर्ट में अर्जी लगाई है। खुदकुशी के एफआईआर दर्ज कराने वाले शिष्यों ने अर्जी वापस लेने के लिए कहा है। ये बड़ी खबर, नरेंद्र गिरी के शिष्यों ने केस वापस लेने की कोर्ट में अर्जी दी है और ये बड़ी जानकारी है। खुदकुशी के एफआईआर वालों ने, जो शिष्य थे, उन्होंने केस वापसी की अर्जी लगाई है और कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर शिष्यों ने बयान दिया है। अपनी तरफ से दर्ज एफआईआर पर कोई कार्रवाई वो नहीं चाहते हैं, ये उनकी तरफ से साफ किया गया है। नरेंद्र गिरी केस में आनंद गिरी को बड़ी राहत मिल सकती है, ये कहा जा रहा है। जहां इस खुदकुशी के बाद लगातार ये बयान आ रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि ये खुदकुशी नहीं है बल्कि कोई साजिश है, और इसी के चलते जहां नरेंद्र गिरी केस से जुड़ा हुआ ये अपडेट दे रहे हैं, जिन शिष्यों ने यहां अर्जी लगाई थी, एफआईआर दर्ज कराई थी, अब इस एफआईआर को वापस लेने और केस वापस लेने की अर्जी भी कोर्ट में दाखिल कर दी है, और ऐसे में आनंद गिरी को एक बड़ी राहत इससे मिल सकती है। महंत, नरेंद्र गिरी खुदकुशी मामले में आनंद गिरी को ये बड़ी राहत मिली है, जहां केस में अचानक से आए नए मोड़ से हर कोई हैरान है, क्योंकि अमर गिरी ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर मुकदमा वापस लेने की इच्छा जताई है। महंत, नरेंद्र गिरी खुदकुशी मामले की जांच अभी सीबीआई कर रही है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी मामले में बड़ा मोड़ आया है। एफआईआर दर्ज कराने वाले शिष्यों ने केस वापस लेने की अर्जी लगाई है। अमर गिरी और पवन महाराज ने एफआईआर पर ही सवाल उठाए हैं। दोनों ने कोर्ट में बाकायदा शपथ पत्र दाखिल किया है। एबीपी गंगा के पास इस हलफनामे की कॉपी मौजूद है। अमर गिरी और पवन महाराज ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि हमने पुलिस को सिर्फ महंत नरेंद्र गिरी के मौत की सूचना दी, न ही खुदकुशी का शक जताया था और न ही हत्या का। हमने आनंद गिरी सहित किसी भी आरोपी का नाम तक नहीं लिया। हम किसी का नाम देकर उसे बेवजह फंसाना नहीं चाहते थे। शिकायतकर्ताओं ने अपने एफिडेविट में साफ तौर पर लिखा है कि उन्होंने किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी। उनके नाम से जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे वो वापस लेना चाहते हैं। हमने किसी व्यक्ति को घटना करते या उसमें शामिल होते नहीं देखा। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में एक ऐसा सनसनीखेज तथ्य सामने आया है जो बेहद चौंकाने वाला और हैरान कर देने वाला है। दरअसल कथित तौर पर खुदकुशी बताए जाने वाले महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कराने वाले उनके दो करीबी शिष्यों अमर गिरी और पवन महाराज दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। 5 पन्नों के इस हलफनामे में कहा गया है कि जो एफआईआर उनकी तरफ से दर्ज की गई थी उससे उनका कोई वास्ता नहीं है। ये एफआईआर उन्होंने अपनी मर्जी से दर्ज नहीं की थी, बल्कि घटना के दिन यानी 20 सितंबर 2021 को पुलिस ने कुछ कागजात पर यह कहकर दस्तखत करा लिए थे कि महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का पंचनामा किया जाना है। उन्होंने सिर्फ पंचनामा जानकर कागज पर दस्तखत किए थे। 5 पन्ने के हलफनामे में हर पन्ने पर प्रथम सूचनाकर्ता अमर गिरी के हस्ताक्षर हैं। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि वो अपना मुकदमा वापस लेने और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहने का शपथ पत्र ट्रायल कोर्ट में भी देंगे। इधर मुख्य आरोपी आनंद गिरी का खेमा काफी खुश है। आरोपी पक्ष का कहना है कि उन्होंने पहले ही इस मामले में किसी गहरी साजिश की आशंका जताई थी। देखिए, एफआईआर आश्रम में ही रहने वाले अमर गिरी और पवन जी ने कराई थी, और उन लोगों ने अनभिज्ञता जताई है कि एफआईआर में जो मूल तथ्य दर्शाए गए हैं वह मेरे कथन नहीं है। हम लोगों से गैर जानकारी में ऐसा करा लिया गया है। तो पहले दिन से ही मैं कह रहा हूं कि यह सारा जो प्रकरण है उसमें केवल आनंद गिरी जी को उलझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, यह सत्यता से परे है। और जो सीबीआई
ने जो जांच किया है वो मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी में उनका निर्णय था, और अब हमको कोर्ट पर पूरा भरोसा है। दरअसल अमर गिरी और पवन महाराज दोनों ही महंत नरेंद्र गिरी के करीबी शिष्यों में थे। दोनों ही बाघम्बरी मठ के संगम किनारे बने हनुमान मंदिर के पुजारी हैं। अखाड़ा परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का शव प्रयागराज के बाघम्बरी मठ में 20 सितंबर 2021 को फंदे से लटकता हुआ पाया गया था। शव के पास ही कई पन्नों का एक सुसाइड नोट भी मिला था। यूपी की योगी सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट पर पहले ही तमाम लोग सवाल उठा चुके हैं। निरंजनी अखाड़े के श्री महंत समेत कई बड़े संतों ने संदिग्ध मौत के बाद ही यह दावा किया था कि महंत नरेंद्र गिरी इतना लंबा और इस तरह का सुसाइड नोट लिख ही नहीं सकते थे। जल्द ही तीनों आरोपियों पर ट्रायल कोर्ट में आरोप तय होने हैं। आरोप तय होने के ठीक पहले शिकायतकर्ताओं के हलफनामे से सवाल खड़े हो गए हैं कि जब किसी ने लिखित शिकायत नहीं दी तो फिर पुलिस ने सिर्फ मौखिक आधार पर एफआईआर दर्ज कैसे कर ली। यही वजह है कि शिकायतकर्ता अब एफआईआर वापस लेने की बात कह रहे हैं, क्योंकि इस मामले की शुरुआती जांच यूपी पुलिस ने की थी। घटना के करीब 30 घंटे बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच सीबीआई से कराए जाने की सिफारिश की थी। दो दिनों में ही केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को मंजूर कर लिया था। शुरुआती 4 दिनों को छोड़ दिया जाए तो इस मामले की पूरी जांच सीबीआई ने ही की थी। सीबीआई ने जांच पूरी होने के बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। हालांकि अभी तक ट्रायल कोर्ट से आरोपियों पर चार्ज फ्रेम नहीं हो पाया है। एफआईआर वापस लिए जाने का, हलफनामा दिए जाने का असर आरोप तय होने और मुकदमे के ट्रायल पर भी पड़ेगा। हालांकि मुकदमा पूरी तरह से खत्म नहीं होगा और केस चलता रहेगा, लेकिन इस सूरत में आरोपियों को दोषी ठहरा पाना और उन्हें सजा दिला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।